वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और हाँ, आज की वीडियो जा रही है एक रिएक्शन वीडियो ऑफ कोर्स। तो आज हम करने वाले हैं रिएक्शन 10 करोड़ के पीसी सेटअप का। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। चले एक काम कर, 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग की वजह से। और 10 करोड़ का पीसी सेटअप मुझे भी देखना है। आई थिंक आप भी देखिए मेरे साथ यार, अपन तो 1 लाख के बनाने में भी नेवर मैं गरीब हूँ। माइंड, सो 10 करोड़ के पीसी सेटअप को हम देखने वाले हैं। ट्रिगर इंसान का फर्स्ट ट्रिगर इंसान का वीडियो पे हम रिएक्शन करने जा रहे हैं 10 करोड़ की पीसी सेटअप। लेट्स गो एंड वॉच। और यार, जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, इतना हर बार कहना पड़ता है। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को। लेट्स गो। रूम टूर प्लीज, सेटअप टूर वाले लाइक करो भैया, प्लीज सेटअप टूर वीडियो बना दो। वोट फॉर सेटअप टूर। वी वांट न्यू सेटअप टूर। लाइक फॉर सेटअप टूर। वोट फॉर सेटअप टूर। सेटअप टूर चाहिए ब्रो। सेटअप टूर प्लीज ब्रो, सेटअप टूर करवाना भाई। सेटअप टूर, न्यू सेटअप का टूर दे दे भाई। सेटअप टूर, न्यू सेटअप टूर, सेटअप टूर, सेटअप टूर। वन लाइक फॉर सेटअप टूर। भैया सेटअप टूर, भैया सेटअप टूर, भैया सेटअप टूर, सेटअप टूर, सेटअप टूर, सेटअप। कैसे बताऊं मैं इन प्यारे प्यारे से लोगों को कि सारे पैसे तो नए घर बनाने में लग गए, सेटअप बनाने के लिए पैसे ही नहीं बचे, तो सेटअप टूर कहां से लाऊं। बस उस शाम में यही बात से परेशान सोच में डूबा था कि कैसे बनाऊं सेटअप, कहां से लाऊं पैसा सेटअप के लिए। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया चमका और मुझे याद आई मसीहों के मसीहा रजत दलाल की। तो फिर एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना मैंने सीधा रजत भैया को अपनी घड़ी से कॉल कर दिया। हेलो रजत भैया, बिग फैन। बिग फैन भैया, एक्चुअली ना एक जरूरत पड़ गई थी, वो मेरे को मेरा सेटअप बनाना था, पर सेटअप कंप्लीट करने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। तो आप तो बड़े दयालु हैं, थोड़े से पैसे की हेल्प हो जाती अगर तो। भैया कैसी बात कर रहे हो भैया, कोई तो तरीका होगा ना, कुछ तो हेल्प कर दो ना। देखो भाई, मेरा तो खुद सब कुछ चोरी का है, तो तुमको अगर सेटअप चाहिए ना या तो चुरा लो। चोरी करनी पड़ेगी। हेलो, काट दिए। और फिर निकल पड़ा मैं सेटअप के लिए सामान ढूंढने। ठीक है, वाओ, लिक्विड कूल्ड ग्राफिक कार्ड गाइस। अब पीसी के लिए सारे कंपोनेंट्स तो मैंने चुरा लिए थे, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज अभी भी बची थी, गेमिंग चेयर। और हर जगह ढूंढने के बाद भी जब नाकामयाबी हाथ मिली, तभी मेरे दिमाग में एक और आइडिया चमका। गेमिंग चेयर तो मेरे खुद के ही घर में पड़ी थी, मेरे सगे भाई फुकरा इंसान की। तो अब वक्त था अपने खुद के ही घर में चोरी करने का। ये क्या कर रहे भाई? चेयर आ रहा हूँ। अब गेमिंग चेयर मैंने चुरा तो ली थी, लेकिन इसको असेंबल भी करना पड़ेगा। हेलो गाइस, तो अब हम करने वाले हैं हमारी गेमिंग चेयर को असेंबल, चुराई हुई गेमिंग चेयर को असेंबल। दस्ताने भी है ताकि हाथ गंदे ना हो। ठीक है, पहन लेता हूँ। डॉक्टर निश्चय, अब करेंगे गेमिंग चेयर असेंबल। देखा, ग्लव्स गंदे तो ऐसे कर दिए हैं मैंने, जैसे मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी हो। हेलो
भैया हाँ जी, वो गेमिंग चेयर असेंबल करनी थी, आ जाओ प्लीज। हाँ आ रहे हो? अरे बड़ी जल्दी आ गए, अभी तो फोन भी नहीं कट हुआ था। प्लीज असेंबल कर दो, मेरे तो बस की नहीं हो रही। इसीलिए कहते हैं जिसका काम उसी को साजे, अपने बस की नहीं है भाई, ऐसे नहीं हो सकता। पर भैया कैसे दिखाएंगे भाई, फट फट। ओए भैया तो एकदम पेच कसने भी लग गए हैं। वो 3 से 4 मिनट हुए हैं मेरे को, बस मैं नीचे गया पानी पी के, मम्मी पापा से बात करके आया, ऊपर आके देखा मैंने ऑलरेडी पूरी चेयर खड़ी कर दिया एकदम। क्या मेरे बैठने पे टूट जाएगी? तो इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली आवर पीसी सेटअप इज रेडी एंड इट्स टाइम फॉर रिवील, लेट्स गो। दिस इज माय न्यू सेटअप, कमाल का सीपीयू, कमाल का राउटर, केबल भी कनेक्टेड नहीं है फिर भी वाईफाई आता है, ये कीबोर्ड है ये भी चलता है, यहाँ पे चार्ज करने के लिए हो जाती हैं ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, पिछली बार तो मेरा फट ही गया था पीसी, बट इट्स स्टिल द बेस्ट पीसी गाइस, बेस्ट। और सबसे बढ़िया बात, यहाँ पे मेरे सेटअप में कपड़े भी सुखा सकते हैं जब मर्जी, जो मर्जी, चड्डी बनियान सब यहाँ पे सूख रहा है और बहुत मजा आता है यहाँ पे गेम खेलने में बहुत ज्यादा। ओ भाई, अरे वाओ, क्या हेडशॉट मारा है भाई, दिस इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, ओके ये देख, इसको फ्रिज भी खुलता है, ये वाला जादू। बहुत ज्यादा बड़ा सेटअप नहीं है, बस यहाँ पे 2 मॉनिटर है, 1 CPU है और 1 PlayStation है। ये PlayStation आपने पहले भी देख रखी है, पिछले वाले सेटअप पे पड़ी थी, तो उठाकर मैं यहाँ पर ले आया हूँ। और हेडफोन्स हमारे ये Razer के ब्लैक शार्क हेडफोन्स है, ये अभिषेक से चुराई वाली गेमिंग चेयर। उसके बाद यहाँ पे 2 मॉनिटर है, सबसे पहले ये सैमसंग का ओडीसी G7 मॉनिटर जिसपे मैंने वेजिटा का लगा रखा है वॉलपेपर, बिकॉज आई लव ड्रैगन बॉल Z गाइस। एंड ये दूसरा वाला जो है ये LG का अल्ट्रा गेयर है, दोनों 4K 144Hz है, तो गेमिंग करने में बहुत मजा आएगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक गेमिंग चैनल को फॉलो नहीं कर रखा है तो हमारी मर्जी है भाई, नहीं करना चाहते होगे। कीबोर्ड मैंने एज इट इज सेम टू सेम जो पिछला वाला था वही रखा है, ये Zebronics का लिटरली 500 रुपए का कीबोर्ड है, एंड इससे बढ़िया कीबोर्ड कोई नहीं है, महंगे से महंगे कीबोर्ड सब इसके सामने फेल है। मजाक से हटके नीचे ड्रॉअर में दिखा दूं मैं तुम्हें, यहां पे थोड़ा सा कूड़ा कबाड़ा है, लेकिन ये महंगा वाला एक कीबोर्ड है, बेकार, बिल्कुल बेकार, उसका इज बेस्ट, तो यही यूज कर रहा हूँ मैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक लंबा सा माउस पैड है जो YouTube ने हमें भेजा है, यहाँ पे देखो YouTube का लोगो भी है, ये YouTube ने भेजा है, थैंक्स टू YouTube। उसके बाद ये हमारे सेटअप की शान हगू, ये यहाँ पर हमेशा विराजमान रहेगा। स्वैग वाले ग्लासेस पिछले वाले सेटअप से ये मैं लेकर आया हूँ अपने साथ। उसके बाद मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी यहाँ से इस सेटअप से, तो मेरे को काफी ज्यादा फीडबैक मिला था तुम लोगों का, एंड आई रीड ऑल द फीडबैक कि भाई आपका जो माइक है, जो मैंने पहले ये वाला माइक लगा रखा था, नीचे ड्रॉअर है, वैसे नीचे वाला एरिया दिखाना नहीं था, बट नीचे ड्रॉअर है जिसमें मैंने वो पुराना वाला माइक जो तुम लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आया, ये रहा, ये निकाल के मैंने फेंक दिया है क्योंकि तुम लोगों ने बोला कि भाई पहले वाला माइक ज्यादा अच्छा था, तो मैंने सेम टू सेम वही पहले वाला माइक यहाँ पे लगा दिया, बिकॉज ओके तुम लोगों को जो पसंद है। उसके बाद ये मेन अट्रैक्शन GPU सिस्टम, अब इसमें जो है हमारे पास है GeForce RTX 4090 का ग्राफिक कार्ड लगा है NVIDIA का, एंड उसके बाद इंटेल जिनका मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, उन्होंने मेरे को इंटेल i9 14900 के प्रोसेसर दिया है जो मैंने इसमें लगा लिया है, और बाकी जो भी डिटेल्स है वो मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा क्योंकि कोई फायदा नहीं है, वैसे भी तुम लोग इंटरेस्टेड शायद नहीं हो। और पीछे जो है सेटअप मेरे पास कुछ था नहीं यहाँ पे रखने के लिए, तो मैंने अपना लैपटॉप रख दिया पुराना, और YouTube ने जो डायमंड प्ले बटन भेजा था वही वाला बक्सा ऊपर डाल दिया क्योंकि कूल लग रहा था YouTube लिखा हुआ। माउस जो है ये एक वायरलेस Razer Viper V2 Pro माउस है, आई पर्सनली डू नॉट प्रेफर वायरलेस माउस क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा पबजी वगैरह खेलते हुए या FPS गेम्स खेलते हुए ज्यादातर काफी लैग मारते हैं वायरलेस माउस, पर ये अभी तक अच्छा चल रहा है तो इसलिए रखा हुआ है। एक चेंज मैंने करा है, पहले क्या होता था जो मेरा माइक का आर्म है वो ऐसा इधर से उठ के आता था,
होता रहता है, होता रहता है, चलता रहता है। हाँ, पहले जो माइक का काम था वो ऐसे उठ के आता था, लेकिन इस बार मैंने सोचा थोड़ा सा कूल लगेगा, ऐसा स्क्रीन के पीछे से ऐसा आएगा ना तो अच्छा लग रहा है। ये हो गया हमारा पीसी का सेटअप, अब रूम के सेटअप की टूवर्ड्स चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से घूमते हैं हम, जब तक आते हैं पर्दे, पर्दों के पीछे है खिड़की, खिड़की के आगे है बालकनी, और बालकनी के आगे है खाई, उसमें कूद के कभी। तो यहाँ पे मम्मी ने जो है ये पानी भरने का घड़ा रखा है, क्योंकि पानी मैं कम पीता हूँ तो ऐसा कर सकते हैं। और ये एक सोफा रख दिया है, वैसे तो दोस्त वोस्त ज्यादा है नहीं, पर कभी कोई आ जाए तो वो यहाँ पर बैठ सकता है, ठीक है, जैसे तालियां मार सकता है। वाह यार क्या खेल रहा है, वाह क्या जोक मार रहा है, बहुत बुरा था। उसके बाद ये पहली बॉल है, इस बॉल पे अभी मोदी जी से हमें एक अवार्ड मिला था गेमिंग कैटेगरी में, तो वो वाला अवार्ड हमने यहाँ पे रख दिया है क्योंकि अच्छा लग रहा था। ये यूट्यूब ने जो डायमंड प्ले बटन दिया था, डायमंड प्ले बटन रखने के लिए पिछले वाले सेटअप में मेरे पास जगह नहीं थी, बट लकीली इस सेटअप में है तो इसलिए यहाँ पे रख दिया। ये स्पीकर मुझे याद ही नहीं है किसने दिया था, पर जिसने भी दिया था थैंक यू। उसके बाद ये सारे टॉयज ये तुम लोगों ने भेजे हैं, ये शिनचैन है, ये पेंगुइन है, पता नहीं कौन है, डोनाल्ड डक है, ये मेरे को नहीं पता। इसका मैंने कोशिश भी करा था गूगल पे जाके चेक कर लूं कि ये कौन है, बट मुझे नहीं समझ आया ये कौन है, एंड ये भी नहीं पता कौन है, ये ऐसा ब्लू भी बन जाता है, ऐसा पिंक भी बन जाता है। ये तीन जो टॉयज है ना, ये तीन अगर तुम लोगों को ये तीन याद है तो ट्रस्ट मी यू आर दी ओजी ऑफ दिस चैनल। इसका स्पेशली अगर तुम लोगों को नाम याद है ना, मैंने एक वीडियो में आया था कि ये किसी का बेटा है, अगर तुम लोग कमेंट्स में बताते हो कौन है ना तो आई विल लव यू फॉरएवर। और उसके ऊपर एसी है, पिछले वाले सेटअप का जो एसी था वो बहुत ज्यादा आवाज करता था, गड़गड़गड़गड़गड़गड़गड़। ये वाला लकीली अभी तक तो आवाज नहीं कर रहा है। फिर हमारे सेटअप में ये है, ये एस्ट्रोनॉट जो है रॉकेट पे बैठ के कहां जा रहा है, ये लॉलीपॉप पकड़ के पता नहीं, मुझे लगता है गुजराती बोल रहा है, भाई यार तुम क्या कर रहे हो, पता नहीं आगे क्या बोल रहा है, एक बार फिर से आई थिंक गाली दे रहा है तो इसको इग्नोर करते हैं। इसमें लाइट जल्दी चाहिए, इसमें यहाँ पे एक पॉइंट भी है लेकिन इसकी वायर नहीं है तो ये पूरा पॉइंटलेस है। जोक था यार, जोक था, मेरा पॉइंट नहीं है तो पॉइंटलेस है। फिर बढ़ते हैं हम अपनी सेकंड बॉल की तरफ। ये मम्मी ने कोई पता नहीं सुपर हीरो है शायद, फ्लैश की कोई बहन है या कौन है, कोई भी हो सकता है, तो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। जय हो माता जी। और फिर उसके बाद ये चार हाथी है, ये अभी अभी पैदा हुआ है, ये उसका बड़ा भाई है, ये मम्मी है, ये पापा है, और ये एक और एस्ट्रोनॉट है, ये लॉलीपॉप पकड़ के स्पेस में भीख मांग रहा है पता नहीं क्यों। क्या बता रहे एस्ट्रोनॉट, ये चीज अगर मम्मी ने देख ली भाई गॉड, अभी तो सेटअप टूर वीडियो भी पूरी नहीं हुई थी, ये दिस वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, होली शिट, मेरे को नहीं पता था उसका नीचे वाला बेस ऐसे अलग से है। अब गाली तो पड़नी है तो वीडियो बनने के बाद ही पड़े। बेचारे की लॉलीपॉप भी टूट गई, बेचारे की लॉलीपॉप टूट गई। भाई भाई तू भीख मांगता ही ठीक था स्पेस में भाई। उसके बाद हमारे पास ना यहाँ पे ट्विटी है, और ये लात क्रॉस करके इसलिए बिठाई हुई है क्योंकि इसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, सीधी बैठ नहीं पाती। वहाँ भी एक पिकाचू है और यहाँ भी एक पिकाचू है, फिर एक और पेंगुइन है, और ये पांडा है, पांडा गैंग ने भेजा था अभिषेक के लिए, ये भी चुरा लिया मैंने। और फिर इंटेल वालों ने मेरे को ये लैपटॉप भेजा था प्रमोशन के लिए, तो यहाँ पे कुछ रखने को था नहीं, तो इसमें ये यूट्यूब से ऐसा कलरफुल वाली 4K वीडियो चला के मैंने सोचा एस्थेटिक ही दिखा देता हूँ। सेटअप अपना कंप्लीट हो गया। बाय द वे पूरा सेटअप मैंने खुद करा, मैंने अकेले, पूरी मेहनत मेरी है, मेरी। मजाक था भाई मजाक। सेटअप तो पूरा हो गया है लेकिन अभी भी ये सेटअप वीडियो जो है इनकम्प्लीट है, क्योंकि मम्मी पापा ने पूरा सेटअप होने के बाद अभी तक देखा नहीं है, तो उनका एक्चुअली क्या रिएक्शन होगा इस पे वो देखे बिना वीडियो मेरे को लग रहा है थोड़ी सी इनकम्प्लीट होगी। मम्मी पापा गजब भेजती है, कोई रिप्लाई नहीं आया। मम्मी पापा जी प्लीज 2 मिनट ऊपर आ जाइए, स्वागत है आपका। हाँ बोलो भाई। हमारे सेटअप में आपका रिएक्शन चाहिए था इस पे। वाओ ब्यूटीफुल, ये दीवार अच्छी लग रही है ना? बहुत बढ़िया। दीवार तो अच्छी लग रही है पर नीचे गंदा क्यों करा हुआ है? मैंने क्या गंदा किया है?
क्योंकि सारा काला है ना, साफ दिखता है। तो मैं आपको क्या लगता है मैं दीवार पे ऐसे पैरे मारता हूँ? देखो भाई बहुत बढ़िया लग रहा है, पर ये तो ओल्ड वाइब ही आ रही है, ओल्ड वाइब आ रही है जैसे पहले था, है ना? हाँ वैसा था ही है ना, तो ऐसा ताकि ये ना लगे कि सब कुछ बदल गया है। थोड़ा सिली सेक्सी सा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। सीपीयू ज्यादा पापा जी ऊपर। अच्छा ये क्या है? जितना मर्जी कह रहा है, कहने सोने की थाली भी परोस दो ना तो हाल वही रहेगा। वो देखिए सॉक्स कहाँ पड़ी हुई है। अरे वो भूल गया पानी की बोतल, ये बैग। वाह वाह, आप लोगों को इसलिए बुलाया था मैंने। अबे ये क्या हुआ, इसे किसने तोड़ दिया? इसकी प्लेट भी थी यहाँ, हाथ में भी प्लेट और यहाँ पे भी प्लेट। अरे वो ये एस्ट्रोनॉट स्पेस में जा रहा था ना लॉलीपॉप खाते खाते, तो आई थिंक वो वहीं छोड़ा आया होगा। तो कैसा लगा वीडियो गाइस, प्लीज बताना, बिल्कुल मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यार, जो जो भी देगा प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना सभी लोगों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।